तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो भाई जो झारखंड T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का सिक्स्थ मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा डोमका डेयर डेविल्स वर्सेज जमशेदपुर जगलन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की भाई यहाँ पर आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है, और अगर आप भाई वीडियो कम्प्लीट देख लेते हो ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस मैच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन विनिंग करने वाले हो। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है, क्योंकि देखिए यहां पर हम एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे क्या कुछ बैटिंग ऑर्डर रहेगा, कौन से गेंदबाज है जो चार ओवर कंप्लीट डालेंगे, कौन से गेंदबाज है मतलब कौन से ऑलराउंडर जो नंबर चार तक बैटिंग भी करके देगा और भाई आपको चार ओवर की गेंदबाजी भी करके देगा। तो ऐसे प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां पर आप देख सकते हो 60 लाख रुपए की GL लगी हुई है। और अगर आप भाई बेहतरीन तरीके से वीडियो देखते हो, एनालिसिस को ध्यान से देख लेते हो, जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको अगर सुन लेते हो, तो ये मेरी गारंटी आप स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग में भी काफी अच्छी रैंक लाने वाले हो। वहीं अगर बात करें कल का जो मैंने मैच कवर किया था, जो मतलब मेन मैच मैंने कवर किया था उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो बड़ा मैच था कल इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का, उसमें भाई सिंगल कॉन्टेस्ट भी हमने नहीं हारा, सिर्फ एक कॉन्टेस्ट भी हमने नहीं हारा, मतलब लगातार मैंने 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे। और कल भाई यहां पर हमने 70,000 रुपए की एक तरफा विनिंग यहां पर की हुई है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बिल्कुल क्लियरली यहां पर एक तरफा विनिंग की हुई है, बिल्कुल कोई सिंगल कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पर नहीं आ रहा। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मेरी फुल एंड फाइनल टीम होगी ना वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टॉस के बाद जो टीम रहेगी ना उसमें काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर बात करें जमशेदपुर की टीम की, तो भाई यहाँ पर जमशेदपुर जगलर्स अपना मैच हार कर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें इनकी तो स्कोर कार्ड मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, स्कोर इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था। विवेक कुमार ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी नोक खेली थी, 30 बॉल पर 32 रन की ठीक ठाक नोक खेली। उसके बाद भाई मतलब स्टार्ट अच्छा दिया था इन्होंने अपनी टीम को, 31 बॉल पर 30 रन बनाए भाई हर्षित नामदेव ने। इसके अलावा कुमार सूरज की बात करें तो 39 बॉल पर 58 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ पर सुप्रियो चक्रवर्ती की, तो 19 बॉल पर 40 रन की तूफानी पारी इन्होंने खेली। इसके अलावा 4 बॉल पर 13 रन बनाए भाई पंकज कुमार ने। अब अगर बात करें इनकी गेंदबाजी की, वो भी भाई काफ़ी शानदार रही थी। यहाँ पर आप देखिए जो रजनदीप सिंह है, इन्होंने 4 ओवर डालकर 3 विकेट जरूर निकाले थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रियो चक्रवर्ती की बात करें, नंबर 4 पर बैटिंग करने आ रहे हैं, प्लस भाई यहाँ पर बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कमल कुमार ने यहाँ पर 4 ओवर डाले, और लास्ट में मतलब डेथ ओवर में गेंदबाजी भाई यहाँ पर मोस्टली आपको कमल कुमार देखने को मिलेंगे एक तो। इसके अलावा विकास कुमार की बात करें, 4 ओवर इन्होंने डाले, हालांकि विकेट लेस गए। इसके अलावा भाई निशिकांत कुमार की बात करें तो इन्होंने 3 ओवर डाले, जिसमें एक मेडिन ओवर था, लेकिन उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने मतलब सिर्फ 3 ओवर तक, मतलब 3 ओवर में एक ओवर मेडिन डाला, और सिर्फ 2 ही ओवर में भाई ये 34 रन भी खा गए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा राहुल प्रसाद ने 3 ओवर डाले, इन्होंने भाई यहाँ पर 3 ओवर में 30 रन खाए थे। तो यहाँ पर भाई अब बात करें इनके जो ओपोनेंट टीम है डोमका डेयर डेविल्स की, तो भाई इन्होंने सुपर ओवर में जाकर मैच हारा था, ठीक है। सुपर ओवर तक ये गए थे, उसके बाद भाई ये मैच हार गए थे। पहले इनकी बैटिंग की बात करते हैं, भाई 12 रन बनाए अविनाश कुमार ने। इसके अलावा कुमार कुशाग्रा की बात करें तो भाई इन्होंने 46 रन बनाए। शरणदीप सिंह की बात करें, 0 पर आउट हो गए। आयुष भारद्वाज ने यहाँ पर 23 रन बनाए। इसके अलावा अतुल सुरवार जो टीम के कैप्टन है, 0 पर आउट हो गए इन्होंने। इसके अलावा भाई अंकित कुमार ने नीचे आके भाई यहाँ पर 18 रन बनाए थे। उसके अलावा भाई किसी ने कुछ खास बैटिंग में किया नहीं। गेंदबाजी की बात करें तो वो भी काफी शानदार रहे। अतुल सरवाल यहां पर देखिए भाई 4 ओवर कंप्लीट डाल रहे, प्लस मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करके दे रहा, और 5 विकेट इन्होंने निकाले, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शुभम सिंह की बात करें, 4 ओवर में 1 विकेट निकाले। नित्यानंद कश्यप की बात करें, 3 ओवर में 1 विकेट। रोहित कुमार ने यहाँ पर 2 ओवर डाले, हालांकि विकेट लेस गए। मनीषी की बात करें तो 4 ओवर में 1 मेडिन ओवर डालकर 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा विनायक विक्रम की बात करें तो भाई 1 विकेट यहाँ से इन्होंने भी निकाला था। अब यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, अतुल सरवार नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्लस भाई गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। कुमार कुशाग्रा विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छे पिक रहेंगे। अविनाश कुमार को आप ट्राई कर सकते। इसके अलावा रोहित कुमार आपके लिए मस्ट पिक रहे, क्योंकि देखिए नंबर 6 पर बैटिंग प्लस यहां पर भाई गेंदबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर मनीषी को आप ट्राई कर सकते हो, और यहां पर भाई
एन कश्यप भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से होने वाले हैं। अब चलिए भाई मैं आपको डेमो टीम यहाँ से बना के दिखा देता हूँ। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो कुमार कुशाग्रा को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ से पंकज कुमार की बात करें तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे कर रहा है, तो भाई इसको ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आप टॉप ऑर्डर से भाई आयुष भारद्वाज को ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट वही बात है क्रेडिट इशू की वजह से भाई ट्राई नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अगर बात करें तो के सूरज हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो भाई अंकित कुमार 100% हमारी टीम में रहेंगे। नीचे आके भाई ए सिंह कुरवार को आप 100% टीम में रखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 विकेट बंदे ने निकाली है लास्ट मैच में। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मतलब ऐसे नहीं मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा क्योंकि ओपनिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हर्षित नामदेव ने भी लास्ट मैच में ओपनिंग की थी और भाई काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, हालांकि गेंदबाजी भी करवा लेता, लेकिन भाई इस मैच में इन्होंने मतलब गेंदबाजी नहीं करवाई थी, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें विवेक कुमार की तो विवेक कुमार भाई यहाँ पर गेंदबाजी करवा लेता, हालांकि लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं करवाई थी, मीडियम फास्ट बॉलर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में आज नित्यानंद कश्यप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चक्रवर्ती 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर रजनदीप सिंह को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा। मनीषी 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो आपके लिए शुभम सिंह इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो आपको एक प्लेयर लेना है भाई निशिकांत कुमार को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, हालांकि लास्ट मैच में विकेटलेस गया बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आपको सेफ जाना है तो भाई आप इसके साथ मतलब विक्रम के साथ जा सकते हो, विक्रमजीत विक्रम के साथ। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो भाई आप ऐसे वी प्रसाद पर ले सकते हो, या फिर भाई आप निशांत कुमार, मैं अभी के लिए निशिकांत कुमार को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। सी वी सी की ऐसे बात करेंगे तो भाई कैप्टन आप यहाँ से अगर चाहो तो आप ए सिंह सरवार को बना सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसे वीसी करके चलूंगा। कैप्टनसी की बात करें तो भाई कैप्टनसी यहां से मेरी रहेगी एस चक्रवर्ती के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि ये 4 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, और यहां पर बात करें ए सिंह कुरवार की तो 5 नंबर पर आ रहा है, और गेंदबाजी भाई दोनों ही करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेफ जाने वाले सी वी सी को रिवर्स कर लीजिएगा। यहां पर अगर अभी बात करें टीम की तो टीम आपके सामने कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है। अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होगा तो वो टॉस के बाद होगा, आफ्टर लाइनअप्स होगा, तो उसके लिए भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी के अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।